पहले तो इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता है सबको मैं आप सबका बेटा आप सबका भाई खेसारी लाल यादव की तरफ से सबको पैर छू कर प्रणाम करता हूँ। जितने लोग मुझे मोहब्बत करते हैं आज मैं उनकी वजह से यहाँ पे पहुँचा हूँ। अगर मैं दो पल की कुछ भी गाने गाता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो सिर्फ अपने ऑडियंस और अपने पब्लिक देवता रूपी श्रोता के लिए। तो बस एक लाइन गा देता हूँ कि चला सैया रहिया बची बची के बहनी ला चला 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 चाकी कि देखी हा नाही घिवा कही खचके बहनी ला चला 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 चाकी। अभी मेरा एक बहुत ज्यादा वायरल गाना हुआ है ठीक है लेकिन ये छठ मैया का पारंपरिक गाना है इसलिए मैंने गाया। अभी आगे पूछूंगी आप मुझसे आप सबको हमले हो रहे हैं और लगातार आप सोशल मीडिया पर अपनी बातों को भी रख रहे हैं लगता है आपके जो आपकी छवि है या आपका जो क्रेज है उससे उसको देखकर नाथिंग फैमिली घबरा गया क्या सीधा सीधा सवाल नहीं देखिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक कलाकार हूँ और मैं लोगों के दिल में रहता हूँ मैं दिमाग में नहीं तो मैं दिल में रहता हूँ और मैं दिल की बातें दिल तक पहुँचाने का काम करता हूँ और मेरे से घबराने की जरूरत नहीं है। एक आर्टिस्ट कमल के फूल की तरह होता है और फूल से कोई घबराता नहीं है। हर परिवार हर लोग मेरे अपने हैं हाथ भी होती है परिवार में विवाद चीजें तो होती है। हम आज अगर एक तो हम पाकिस्तान से भी लड़ते हैं और अपने परिवार से भी लड़ते हैं तो लड़ाई तो हर जगह होती रहती है सब लोग एक है ऐसा नहीं है लेकिन यहाँ कुछ चीजें होती है जो मान सम्मान की बात आती है वहाँ तो हम इच्छुक नहीं रहेंगे और कभी चीजें होती है और मुझसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मेरे पास इतनी जनता और इतने प्यार करने वाले लोग हैं कि मैं मुझे लगता है कि मैं बहुत बलशाली आदमी हूँ और मेरे पास अपना बल मेरी जनता है मेरी पब्लिक है जो मुझे मोहब्बत करती है और मोहब्बत की ताकत बहुत बड़ी होती है उसको शायद लाठी की ताकत कभी उसको पीछे नहीं कर सकती। तो मेरे पास मोहब्बत की ताकत है मेरी जनता की ताकत है और मेरी जनता मेरे लिए भगवान स्वरूप है। मैं एक पुजारी की तरह उनका सेवा करना चाहता हूँ आजीवन चाहे वो जिस रूप में मुझे जाने चाहे वो नेता हो अभिनेता चाहे जिस रूप में वो मुझे मानना चाहेगी मैं उनके साथ हूँ उनके हर उस दुख के लिए हूँ। सुख में तो हर आदमी होता ही है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनके हर दुख में शामिल हो जाऊँ जिन्होंने मुझे मेरे दुख से उबार कर मुझे इतना बड़ा बना दिया।